बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैंने चैप्टर नंबर 4 जो है कंसेप्चुअल सीरीज़ का ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दिए कि ये मुझे मुश्किल लग रहे हैं, तो ये आप सॉल्व कर लें। तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ जो स्टूडेंट ने इनबॉक्स किए थे मुझे कमेंट्स में। तो इन क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 75, अ बॉडी ऑफ मास एम राइजेज टू हाइट एच इज इक्वल टू आर बाई फाइव फ्राम द अर्थ सर्फेस, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। इफ़ द चीज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एट अर्थ सर्फेस, द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है। तो याद रखें, सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट द अर्थ सर्फेस वो तो ज़ीरो है, उसको तो गोली मारे, तो मैं इनिशियल की बात नहीं कर रहा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी प्राइम एच, क्योंकि ऊपर जाएगा तो जी चेंज होगा। अच्छा, तो जी का फार्मूला है एट सर्टन हाइट, वो है जी प्राइम इज इक्वल टू जी बाय वन प्लस एच बाय आर। दिस इज द फार्मूला फॉर द जी जब हम अर्थ सर्फेस से ऊपर जाएंगे। अच्छा, तो इसमें एच गिवन है, ये गिवन है आर बाय फाइव, तो आर बाय फाइव इधर पुट कर दें तो यह आ जाएगा जी डिवाइड बाय वन प्लस आर बाय फाइव डिवाइड बाई आर। तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा जी डिवाइड बाई वन प्लस वन बाई फाइव। तो इधर इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे का फाइव, तो यह आ जाएगा फाइव प्लस वन, तो ये फाइव ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा फाइव जी डिवाइड बाई सिक्स। तो ये जी प्राइम मालूम हो, इक्वेशन वन में पुटिंग कर दें। इक्वेशन वन आपको पता है कि पी इज इक्वल टू एम जी प्राइम इंटू एच, तो एम जी प्राइम की जगह पुट कर दें फाइव जी बाई सिक्स इंटू एच, तो फाइव बाई सिक्स को बाहर निकालें तो आ जाएगा फाइव बाई सिक्स एम जी एच। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये सोल्यूशन इंशाल्लाह क्लियर होगा। अच्छा, आ जाएं अब क्वेश्चन नंबर 77। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि ये भी सॉल्व करें। अ रॉकेट इज लॉन्च विद वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड if the radius of earth is r, the maximum height attained by it is, the maximum height attained हमने मालूम करना है। तो हमें पता है ये क्वेश्चन नंबर 77 है। अच्छा, कंसेप्चुअल सीरीज चैप्टर नंबर 4। अच्छा, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, हमें ये पता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर है एम जी एच यानी आर प्लस एच। अच्छा, तो इसमें एम और एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, टू को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी इंटू आर प्लस एच, तो यह आ जाएगा। और वी गिवन है 10 किलोमीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर को मैं वो कर लेता हूँ, मीटर में कर लेता हूँ, तो यह आ जाएगा टू जी आर प्लस एच। तो मैंने किलोमीटर की जगह 1000 लिखा, होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, इसमें इस तरह करें कि 2g पे बोथ से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 10 इंटू 1000 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, जी की वैल्यू है 10, यह आ जाएगा आर प्लस एच। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सारे टर्म को, इस सारे टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा का सारा टर्म आ जाएगा 5r, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ होगा। और एक रेडियस तो आपको पता है कि एक रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6.4 × 10⁶। तो यानी इधर से जो वैल्यू आएगी वो 5 टाइम्स ऑफ 6.4 × 10⁶ जो है 5 टाइम्स होगा। अच्छा, आर को इस तरफ शिफ्ट करें तो यह आ जाएगा 4r, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि escape velocity of a body is one kg mass and the planet is 100 meter per second, the gravitational potential energy of the planet is, तो gravitational potential energy हमने वो करना है और escape velocity given है। तो इसके लिए याद रखें, ये क्वेश्चन नंबर है 78 के लिए एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि मास इंटू escape velocity का स्क्वायर डिवाइड बाई टू, दिस इज द शॉर्टकट बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द एस्केप वेलोसिटी। तो ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन है। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम करना है, मास गिवन है 1 kg और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 100, मेरे ख्याल में 100 है,
हाँ बिल्कुल 100 मीटर पर सेकेंड है, तो 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000, तो 10,000 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 5,000 जाउल। माइनस होगा क्योंकि बाउंड सिस्टम में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है। अच्छा अब आ जाएं 79 की तरफ, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। 79 की तरफ आ जाएं, इफ़ वी ई एंड वी पी डिनोट्स द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ एंड द अनदर प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड द सेम डेंसिटी एज द अर्थ, मतलब दोनों का डेंसिटी सेम है, जब दोनों का डेंसिटी सेम होगा तो फिर एक बात याद रखें, एक बात याद रखें, ये है क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, एक बात याद रखें, जब डेंसिटी सेम होगा तो एस्केप वेलोसिटी और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है और उस पर टाइम वेस्ट होगा, तो इस वजह से मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। लेकिन ये बात याद रखें कि जब भी डेंसिटी कॉन्स्टेंट होगा, नेचर सेम होगा, डेंसिटी कॉन्स्टेंट होगा, तो रेडियस और एस्केप वेलोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो जिसका रेडियस डबल होगा उसकी एस्केप वेलोसिटी डबल होगी, जिसका रेडियस हाफ होगा उसकी एस्केप वेलोसिटी हाफ होगी। तो आसान सी बात है, तो अगर आप देख लें तो ये कह रहे हैं कि अनदर प्लैनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस एंड द सेम डेंसिटी एज द अर्थ, मतलब जो दूसरा प्लैनेट है उसका रेडियस डबल है, जब दूसरा प्लैनेट का रेडियस डबल है तो दूसरे प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी भी डबल होगा। तो इसका मतलब है कि वी पी डबल होगा, जब वी पी डबल होगा तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में देखें, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अनदर प्लैनेट इज डबल, सो दैट इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 80, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम ऑफ मास एम फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r टू 3r। सपोज एक बॉडी है, मैं सपोज कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80, एक बॉडी है वो एक रेडियस में है अर्थ से और ये दूसरे रेडियस में अर्थ से, एक का रेडियस है 2r, यस, और दूसरे का रेडियस है 3r, तो हमने इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मालूम करना है। तो आसान सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी लिख लें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास बराबर है जी एम एम डिवाइड बाय 2r, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाय 3r। तो एक ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, दूसरे ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, वो कह रहे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि वो कह रहा है कि इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में कब जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना है हमने, क्योंकि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक तब जाएगा जब इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस होगा। तो इन दोनों को ऑर्बिट के पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर लो तो इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम द अर्थ सरफेस रेडियस आर टू इन्फिनिटी इज, तो इन्फिनिटी की बात जब इसने की तो ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। अच्छा ये बात याद रखें, जब भी इन्फिनिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। अच्छा अगर इसकी तरफ आ जाएं आप लोग तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है, ये तो मालूम करना है, ये तो छोड़ें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जी एम एम बाय आर, करेक्ट, ये एम को शुरू में लिख लें, ये जी एम बाय आर जो आपको नज़र आ रहा है ये बराबर है जी आर के, तो इससे आंसर आएगा एम जी आर, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जी एम बाय आर किस तरह जी आर के बराबर है, तो इसके लिए थोड़ा सा देख लें इसको, स्मॉल जी की वैल्यू है जी एम बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू है, तो इस तरह करें कि आर को इधर भी मल्टीप्लाई करें और आर को इधर भी मल्टीप्लाई करें, तो इधर आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी आर इज इक्वल टू जी एम बाई आर। तो देखें ना जी एम बाई आर किसके बराबर हुआ, जी आर, तो मैंने इधर जी एम बाई आर की जगह जी आर पुट कर दिया, तो इस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला गया का आंसर आ गया एम जी आर, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा फिर उन्होंने कहा था कि ईटा में कुछ क्वेश्चन है, कुछ मसले हैं ईटा पोर्शन में, ये 2019 ईटा में आया था, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स। तो याद रखिए ये क्वेश्चन जो है ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है मैंने ईटा वालों से रब्ता भी किया था और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो खैर
गलती हो सकती है इंसानों से। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि वो सिर्फ विलस की बात कर रहा है, ना मास की बात कर रहा है, ना मोमेंटम की बात कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि कैनेडी, ये क्वेश्चन नंबर 95 है कंसेप्चुअल सीरीज चैप्टर 4। अच्छा, तो इसमें कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वेयर। तो अगर हमसे कहे कि मास इज कांस्टेंट, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमसे कहे कि मास इज कांस्टेंट, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर वेलोसिटी हाफ कर दो तो हाफ का स्क्वायर आ जाएगा 1/4। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी थोड़ा सा वेस्ट हो जाए। तो ये आ जाएगा, मैं इधर पुट कर देता हूँ वी बाई टू, क्योंकि वेलोसिटी हाफ गिवन है। तो वी बाई टू से आ जाएगा वी स्क्वायर बाई फोर। यह आ जाएगा, फोर को बाहर निकालें तो यह आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये ओल्ड कैनेटिक एनर्जी है, तो न्यू कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द ओल्ड ऑफ द पुराना। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सी नहीं, मैंने सी गलत बताया था, इधर इधर सी गलत बताया था, सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए 1/4 इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को इस तरह भी दे सकता है, कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस वी को मैं, वी स्क्वायर को मैं वी वी लिख सकता हूँ। तो अगर आप देख लें, ये एम वी जो है ये असल में मोमेंटम है। तो कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला गया हाफ पी वी। तो ये वाला फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो इधर क्वेश्चन में अगर आप देख लें, तो ना तो गिवन है कि वेलोसिटी हाफ हुए, ये तो गिवन है कि वेलोसिटी हाफ है, लेकिन ये नहीं गिवन कि मोमेंटम कांस्टेंट है कि मास कांस्टेंट है। तो अगर इधर आप देख लें फार्मूले में, अगर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो फिर ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसमें वेलोसिटी हाफ पुट करो शाबा, तो यह आ जाएगा वेलोसिटी मैंने पुट कर दिया वी बाई टू, तो टू को बाहर निकालें तो यह आ जाएगा हाफ पी वी। और ये हाफ पी वी तो ओल्ड कैनेटिक एनर्जी है, तो न्यू कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ओल्ड। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया, ईटा के मुताबिक इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। लेकिन मैंने उनको बताया था कि इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कंडीशंस जब आपको स्पेसिफाइड हो। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, इफ एक्स इज ट्रेवलिंग एट हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ कार वाई एंड द मास ऑफ द कार एक्स इज ट्वाइस एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द कार वाई। चले मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स का स्पीड हाफ है, मास डबल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक बात याद रखें, जब इसका स्पीड हाफ है और मास डबल है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों का मोमेंटम सेम होगा, क्योंकि स्पीड डबल होगा मास हाफ होगा, मास डबल होगा स्पीड हाफ होगा, तो मोमेंटम दोनों का सेम होगा। तो मोमेंटम इधर मेंशन नहीं है इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी की बात है। तो चलो मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 96 चैप्टर 4 कंसेप्चुअल सीरीज 96। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये देखें, वो कह रहे कि मास डबल है एक्स का और वेलोसिटी यानी स्पीड हाफ है। तो यह आ जाएगा 2 mv² / 4। तो ये 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यह आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर बाई 2। तो 2 बाहर निकालें तो यह आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई कार वाई की। तो एक्स की काइनेटिक एनर्जी जो है, एक्स की काइनेटिक एनर्जी वो हाफ होगी टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ आ जाएं। 99 में कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेट 90 न्यूटन, इट्स वेट एट द डिस्टेंस ऑफ 3 आवर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज। तो ये क्वेश्चन नंबर 99 है, वेट गिवन है 90 न्यूटन। तो कह रहा है कि 3 आवर डिस्टेंस पे वो कितना होगा फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो याद रखें कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो एम तो कांस्टेंट है, तो मैं जी की बात कर रहा हूँ। तो जी का फार्मूला है जी एम बाय आर स्क्वायर, जी का फार्मूला है। तो अगर आप इधर जो है ये आर की जगह 3 आर पुट कर दो, तो ये 3 का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 9 आर स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा जी बाई नाइन, तो जी हुआ जी बाई नाइन, तो वेट में पुट कर दें तो वेट इज इक्वल टू जी बाई नाइन, तो वेट में मैंने जी बाई नाइन पुट किया, वन बाई नाइन को बाहर निकाले तो ये एम जी यानी वेट किसके बराबर है, ये वेट बराबर है 90 न्यूटन, तो 90 बाई 9 इज़ 10 न्यूटन, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 10 न्यूटन इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 103 इज़ द लास्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने पूछा था, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सर्फिस ऑफ द अर्थ इज जी, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सर्फिस ऑफ प्लैनेट ऑफ थ्राइस द रेडियस एंड द सेम डेंसिटी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने डेंसिटी सेम की बात की, जब डेंसिटी सेम की बात करें तो याद रखें डेंसिटी सेम पे रेडियस और ये जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। किस तरह, ये देखें जी हमारे स्मॉल जी हमारे पास बराबर होगा जी एम बाय आर स्क्वायर, तो कैपिटल एम की जगह पुट कर दे रो वी, तो और ये जो अर्थ का सरफेस होता है ये तो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, तो ये आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, तो अगर आप देख लें ये आ जाएगा 4ρg πr³, तो ये जी की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप देख लें डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो पेयर रेडियस और ये जी आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो जिसका रेडियस डबल जी डबल, जिसका रेडियस हाफ जी हाफ। तो इस क्वेश्चन में देखें उधर कह रहे हैं कि जो रेडियस है वो थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 times है, जब रेडियस 3 times होगा तो जी भी 3 times होगा, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, बाकी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट लेक्चर तक, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।